स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जबलपुर जिला चिकित्सालय परिसर में सिकल सेल पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य स्तर का कार्यक्रम जो कि जिला डिंडौरी में आयोजित किया गया था का लाइव प्रसारण भी इस कार्यक्रम में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय लोक निर्माण मंत्री प्रशासन श्री राकेश सिंह जी के द्वारा की गई तथा माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी एवं माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी की विशेष उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को निम्न सुविधाएं दी गई। उपरोक्त कार्यक्रम में आम जनता के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर, औषधि वितरण, जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण एवं उपचार एवं फॉलोअप कार्ड का विमोचन एवं वितरण। इस अवसर पर डॉक्टर संजय मिश्रा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर, डॉक्टर मनीष मिश्रा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जबलपुर, डॉक्टर के वर्मा नोडल अधिकारी सिकल सेल कार्यक्रम, डॉक्टर राजकुमार चौधरी, डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर एसएस दाहिया, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर राकेश सागरिया सहित अन्य चिकित्सक। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जबलपुर जिला चिकित्सालय परिसर में सिकल सेल पीड़ित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य स्तर का कार्यक्रम जो कि जिला डिंडौरी में आयोजित किया गया था का लाइव प्रसारण भी इस कार्यक्रम में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय लोक निर्माण मंत्री प्रशासन श्री राकेश सिंह जी के द्वारा की गई तथा माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी एवं माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी की विशेष उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को निम्न सुविधाएं दी गई। उपरोक्त कार्यक्रम में आम जनता के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर, औषधि वितरण, जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण एवं उपचार एवं फॉलोअप कार्ड का विमोचन एवं वितरण। इस अवसर पर डॉक्टर संजय मिश्रा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर, डॉक्टर मनीष मिश्रा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जबलपुर, डॉक्टर के वर्मा नोडल अधिकारी सिकल सेल कार्यक्रम, डॉक्टर राजकुमार चौधरी, डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर एसएस दाहिया, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर राकेश सागरिया सहित अन्य चिकित्सक। गंभीर आनुवांशिक बीमारी है जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं और आनुवांशिक बीमारी होने के कारण अभी तक पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन नहीं हो सका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेड्यूल में 2023 में इसके उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ साथ सरकार का ये संकल्प भी दोहराया था कि 2047 तक भारत इस बीमारी से पूरे तौर पर मुक्त हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में विशेष रूप से इस योजना के लिए प्रावधान किए गए हैं और अभी जब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज डिंडोरी में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी उपस्थित हुए हैं और वहां पर भी जन जागरण के साथ साथ इसके उन्मूलन की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराते हुए इस दिशा में सरकार तेज़ी के साथ काम करे इसको सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्ड बनाकर भी ऐसे उन सभी लोगों को दिए जा रहे हैं जो इसके पीड़ित हैं, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग कार्ड हैं। ये कार्ड देने का लाभ ये है कि जिसके पास भी ये कार्ड है, इस कार्ड के साथ वो किसी भी अस्पताल में पहुँचे तो उसको इलाज में प्राथमिकता मिले और उसकी पहचान विशेष रूप से हो सके कि गंभीर बीमारी होने के कारण ये जो कार्ड धारक है ये इस बात का आधार रखता है कि प्राथमिकता उसके इलाज में उसे मिलना ही चाहिए। और इस तरह के और भी जो प्रयास सरकार के द्वारा हैं वो उनकी निरंतरता बनी रहेगी और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसके उन्मूलन के सार्थक प्रयास करती रहेगी।